नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र। आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज। यदि आपने अपनी कोई मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई हुई है और आपकी मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं आपके मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट बदल ना दिया गया हो। कुछ ऐसी ही घटना जनपद गाजीपुर में घट रही है। जनपद गाजीपुर के अलावा ऐसी घटना वाराणसी और मऊ में भी घट रही है। ऐसे चोरों को आज नंदगंज थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने गिरफ्तार किया है और ऐसे चोरों को आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने उनको मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि ये घटना, वो कैसे इस घटना को वो अंजाम देते थे, किस तरह से वो गाड़ियों को चुराते थे। वैसे आपको बता दें कि उन चोरों के पास से 3 मोटरसाइकिल और 1 ट्रैक्टर बरामद हुई है, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले सुनिए कि पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। अस्तर के हैं जो बनारस, गाजीपुर और आसपास स्थानों पे मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर आदि की चोरी करते हैं। इनके पास से 1 अदद ट्रैक्टर स्वराज और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। 3 तीनों मोटरसाइकिलें और ये जो ट्रैक्टर है, ये जहाँ के हैं मोटरसाइकिलें सब जनपद वाराणसी के चैतगंज और विभिन्न थानों की हैं, उससे कनेक्ट हो गई हैं और ये हैबिचुअल अफेंडर्स हैं। ये मोटरसाइकिल सार्वजनिक स्थानों पर, सुनसान जहाँ पे लोग मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पे वॉच करके और मास्टर की के द्वारा मोटरसाइकिल खोल करके चोरी करते हैं और देहात, सुदूर देहात क्षेत्रों में या राज्य के बाहर ले जा करके बेचने का कार्य करते हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे पहले भी और ट्रैक्टर वगैरह बरामद हुए थे और इनसे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इनके और जो केसेज हैं उनकी छानबीन करके इनके अगर कोई और साथी निकलते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी से जनपद में जो मोटरसाइकिल की लगातार चोरी होती थी उन पे नियंत्रण स्थापित होगा। ट्रैक्टर किसानों के जो चोरी होते थे उन पे नियंत्रण स्थापित होगा। ये रिकवरी नंदगंज थाना का जो अपना मुखबिर तंत्र है उसके द्वारा उन्होंने किया है। थाना प्रभारी नंदगंज ने इसमें मेहनत की और इस गैंग को पकड़ा है। उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपये कैश रिवार्ड दिए गए। नंदगंज थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। उन चोरों के नाम की लिस्ट मेरे पास है। उसमें से पहला है मृत्युंजय कुशवाहा जो कि तरवा गांव सैदपुर का रहने वाला है। दूसरा सतीश कुमार है जो वो बरही गांव मर्दा थाना का रहने वाला है। तीसरा जो है वो कृष्ण कुमार है, वो बरही गांव का मर्दा थाना का वो भी रहने वाला है। मुकेश राजभर है चौथा, जो बीरबलपुर थाना बिरनों का रहने वाला है। इन चोरों ने किस तरह इस घटना को अंजाम दिया वो जानते हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर जो मृत्युंजय कुशवाहा, उसने बताया कि 3 मोटरसाइकिल उसके घर पर रखी हुई है, 1 ट्रैक्टर उन्होंने चुराया है। जो मोटरसाइकिल चुराई गई हैं मैं उनकी जानकारी आपको दे देता हूँ। पहले एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस हीरो, स्प्लेंडर प्लस हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल है, जो इसका नंबर है UP54AC9890। और जो दूसरी मोटरसाइकिल है उसका, वो भी स्प्लेंडर सुपर है वो, और उसका नंबर है UP60AB3503। और तीसरी जो मोटरसाइकिल है वो भी स्प्लेंडर ही है और उसका नंबर है UP65BX0462। और उसके साथ एक ट्रैक्टर भी बरामद हुआ है, स्वराज ट्रैक्टर है, स्वराज 744FE, नीले और सफ़ेद रंग का ट्राली सहित ट्रैक्टर है जिसका नंबर है UP67X0896। ये बरामद हुआ है इन चोरों के पास से और बधाई देनी होगी नंदगंज थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी को और उनकी टीम को कि उन्होंने इन चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।